दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हमने आपसे कहा था कि एनुअल फंक्शन का पार्ट टू आएगा, तो ये रहा पार्ट टू, जिसमें हमारे बच्चों की विदाई से लेकर के बच्चों को पुरस्कार वितरण तक का पूरा वीडियो है। यहाँ पे मैम जो है बच्चों से, गार्जियन से बच्चों के बारे में बातचीत कर रही हैं, क्योंकि गार्जियन जो बच्चों के साथ थोड़ी सी लापरवाही करते हैं कि मतलब पढ़ने पढ़ने लिखने में उतना ध्यान नहीं देना, प्लस बच्चों को स्कूल में चाहे जैसे ही भेज देना, तो थोड़ा सा इस चीज़ को मैम बता रही हैं कि देखिए हमारा इतना कर्तव्य होना चाहिए। सरकार मतलब वैसे भी सरकार सारा चीज़ दे रही है, लेकिन आपका जो कर्तव्य होता है वो तो थोड़ा करना चाहिए कि आप बच्चे को नहला धुला के अच्छे से तैयार करके स्कूल भेजिए। बाकी हम लोग तो सारा यहाँ पे खुद देख रहे हैं। तो बस मैम का यही वो बोलना था कि हम लोग जितना लगते हैं, अगर उसका आप 10% भी अगर गार्जियन लगता है तो बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और आप जो यहाँ पे छोटी सी बच्ची को देख रहे हैं, ये क्लास 1 की है, बट आपको सही बताओ तो ये क्लास 5 के बच्चों को टक्कर देती है। और इसको हम लोग क्लास 5 के बच्चों के साथ बैठाते हैं, और क्लास 5 का ये मैथ, क्लास 5 का इंग्लिश, हिंदी सारा ये करती है, जिसको देख के हम लोग खुद बहुत सरप्राइज रहते हैं कि इतनी छोटी सी बच्ची। लोग कहते हैं कि गाँव में एक माहौल नहीं होता है तभी बच्चे नहीं पढ़ते। अरे ये बच्चे का देखिए ना, ये बच्चा, ये भी तो गाँव की है, लेकिन इसका मतलब जो पढ़ती है ये, और जो और इस सबसे मतलब अच्छी चीज़ की क्या है ना, ये मतलब बहुत क्वेश्चन पूछती है, तो हम लोग भी कभी बोर नहीं होते, इसके हर क्वेश्चन का रिप्लाई करते रहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये इतना ज़्यादा मतलब हम लोग से घुल मिल गई है, मतलब इसको इतना इजी लगता है कि ये अपने घर की एक एक बात मतलब चीज़ें ये शेयर करती है, जिससे हम उसकी मानसिकता के बारे में और उसके उसका मतलब उसकी सोच क्या है इसके बारे में हम मतलब उस वो चीज़ डेवलप करने में हमें काफ़ी मतलब इजी लगता है। तो ये चीज़ होना चाहिए कि आपका बच्चा आपसे मतलब टीचर से कितना ज़्यादा कंफर्ट है, तो ये एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में बहुत ही अच्छा ये जोन होना चाहिए, और सारे बच्चों और टीचरों के बीच में ये बॉन्ड होना चाहिए जैसा कि इस बच्चे के अंदर है। तो यहाँ पे और फिर उसके बाद ये बीच बीच में गार्जियंस को, और हाँ हम लोग जब बच्चों को पुरस्कार दे रहे थे तो गार्जियन को भी हम सम्मानित कर रहे थे, ताकि उनको भी लगे कि हाँ, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है ना, ज़्यादातर महिलाएँ ही आती हैं, और महिलाएँ क्या होती हैं, वो हर एक चीज़ घर पर जाके बताती हैं कि देखिए फला जगह हमको बुलाया गया, हमको सम्मानित किया गया। पुरुषों का क्या होता है कि वो स्कूल चले, अरे सॉरी, वो अपने अपने काम पर चले जाते हैं। अब वो उतना इंटरफेयर मतलब उनका उस बच्चे की लाइफ में उतना इंटरफेयर नहीं रहता है, जो कि मुझे लगता है करना चाहिए, क्योंकि गार्जियन में ना एक लोग को बहुत टाइट मतलब दो में से एक को बहुत टाइट होना चाहिए, जिसमें से अच्छा ठीक है चलिए फादर अगर नहीं टाइट है तो मदर अगर इस चीज़ में लगी हुई है। बस हम लोग हमेशा यही कहते हैं कि अगर आप घर से अपने बच्चे को भेज रहे हो, थोड़ा सा उसके ड्रेसिंग सेंस पे, थोड़ा सा वो क्या पहना है, वो बाल झाड़ा है कि नहीं, और तेल लगाया है कि नहीं, मतलब उसका मुंह साफ है कि नहीं, इतना बस थोड़ा सा ध्यान दे देना तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बाकी तो हम लोग स्कूल में आने के बाद बच्चों को वापस कर देते हैं कि नहीं आप ऐसे रहिए वैसे रहिए, ये सब खुद ही करते रहते हैं। गार्जियन तो ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे को खुद लेकर के स्कूल में आते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि चलो कम से कम गार्जियन इतना ज़्यादा अवेयर है। और ये चीज़ होना चाहिए, हर पेरेंट्स में होना चाहिए कि आप बच्चे को ऐसे मत दे, जब आप उसके साथ आते हो ना तो उसे भी अच्छा लगता है। तो यहाँ प्रधान जी जो है पुरस्कार के साथ साथ कुछ मैसेज भी रहते बच्चों को, जो उनकी तरफ से पेश करता है, तो ये सब चीज़ें सही है, बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करता है ये सारा चीज़ कि देखो हमको इतने बच्चों के बीच में पुरस्कृत कर लिया, तो उनके अंदर एक अच्छा मैसेज जाता है, और उनके अंदर ये भावना आती है कि हमें और भी आगे बढ़ना है। उसको जिम्मेदारी समझ में आए कि मेरा बच्चा साफ सुथरा है, वो साफ सुथरे से उनके बच्चे आते भी हैं। पहले टीका बस लगा, सारे लोग देखो यही करना है आगे चलना है। चार को है, नहीं नहीं जून को है, जून को है, है कि ये जहाँ भी जाए बहुत ही अच्छे से रहे और बहुत अच्छे से पढ़ाई करे, खूब मेहनत करके पढ़ाई करे। और इन लोग को हम लोग रोज कहते थे कि जितनी मस्ती करनी है यहाँ कर लो, उसके बाद अब बहुत सीरियस होकर के इन लोग को पढ़ाई करनी है। जितना यहाँ पे खेलना था कूदना था, जो इनके मन का होता था ये करवा लेते थे, करवा लेते थे कि नहीं, yes, जो इन्हें मतलब अगर इनको खेलना है, मैम खेलना है हम लोग को, पीछे खेलवा देते थे, मैम हम लोग को कोई कार्टून दिखा दीजिए, कोई स्टोरी दिखा दीजिए, तो हर चीज इनके हिसाब से हुआ था। तो आज जो है ये लोग जा रहे हैं, तो अभी हमको तो बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ है, हम इन लोग के साथ 6 महीने ही रहे हैं, लेकिन 6 महीना मतलब लगा ही नहीं कि 6 साल में कब, जैसे लगा कि 6 साल हो गया।
तो आप लोग को हम लोग बहुत मिस करेंगे, और जहाँ भी रहेंगे खूब आगे बढ़िए, खूब तरक्की करिए। तो यहाँ पर बच्चों के लिए टिफिन लाया गया था जो मैम यहाँ पे बच्चों को दे रही थी, बस इतना देते ही सारे बच्चे और सब हम लोग बहुत रोना शुरू कर दिए थे। विदा तो हो रहे हो आज आप हमारे स्कूल से, पर जाते जाते आपने खुशी के आंसू रुला दिया। सबके लिए है, सारे बच्चों के लिए, यो ही नहीं मिलती राही को मंजिल। हम हमेशा आप लोग से यही कहते हैं कि बेटा हम भी कभी आप लोग के जैसे थे, ऐसा नहीं कि हम पैदा हुए मेरी नौकरी लग गई, ऐसा तो हुआ नहीं होगा ना। हमें नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना लिया घोंसला, पूछा चिड़िया से कि कैसे बना लिया घोंसला, तो बोली चिड़िया भरना पड़ता है उड़ान बार बार, एक एक तिनका उठाते हैं और तिनका उठाना पड़ता है, तब बन जाता है क्या आशियाना। तो बस वही आप लोगों को, तो यहाँ पर बच्चों के साथ वीडियो बनाया गया और बच्चे यहाँ पे जो है जाने लगे, तो ये गुड बाय वीडियो था बच्चों के लिए। बस बच्चे जहाँ भी रहे खूब रहे, अच्छे से रहे, मस्त रहे और खूब अच्छे से पढ़ाई करें। एंड बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।